हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आपकी मोबाइल पर छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी मेहनत की सारी कमाई मिनटों में गायब हो सकती है। जी हाँ, ये साइबर क्राइम के बारे में है। ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आप ATM यूज़ करते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग रखते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप आजकल हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। दरअसल आजकल ऑनलाइन फ्रॉड दो तीन तरीकों से किया जा रहा है और आज के लेटेस्ट जो तरीके हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा। कृपया देखते रहिए लास्ट तक वीडियो, जिसके लिए बैंक लगातार मैसेज भेजकर ग्राहकों को सूचित करता रहता है कि आप सतर्क रहें। तो इसमें पहला तरीका है ATM पिन को चुराने के लिए। हैकर क्या करते हैं, अपने आप को बैंक का अधिकारी बताता है और कस्टमर को उसका कार्ड काम करना बंद कर देगा ऐसा बोल के डराते हैं। ऐसा बोलकर उसको कार्ड की डिटेल ले लेते हैं। उसके बाद वो OTP के बारे में, कोई मैसेज आया है मैसेज के बारे में पूछते हैं। बस हो गया उनका काम, कुछ ही मिनटों में आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है और आप बहुत बड़े नुकसान के नीचे आ जाते हैं। कृपया सावधान रहें, बैंक कभी भी पिन, OTP, पासवर्ड जैसे पर्सनल डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई पूछ रहा है समझ जाइए कुछ गड़बड़ है, तुरंत पुलिस या बैंक के हेल्पलाइन पर सूचना जरूर दें ताकि ऐसे लोग किसी और का नुकसान ना कर सके, उनको रोका जा सके। इसमें दूसरा तरीका है, ये लोग आपको अकाउंट से संबंधित ऐसी बातें बोलते हैं जैसे आपका अकाउंट बंद होने वाला है, कृपया 375 का या 500 या 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखें ताकि बंद ना हो। और ऊपर से ये भी दावा करते हैं कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, उस बैंक का मैनेजर हूँ, इस बैंक का मैनेजर हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं इनको पैसे सेंड नहीं करूँगा, बट ये लोग आपसे पैसे सेंड नहीं करवाते हैं, ये आपको बोलते हैं आप अपने आप खुद पैसे अपने अकाउंट में डालो, प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लो ताकि हम आपका अकाउंट अपडेट कर दें। अब उस ऐप से वो आपकी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ID हो गया, पासवर्ड हो गया, OTP हो गया, और उसके बाद वो खुद उस पासवर्ड को, ID को यूज़ करते हुए सारे पैसे निकाल लेते हैं। यहाँ भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, कभी भी अपनी निजी जानकारी किसी भी तरीके से किसी को ना दें। अब बात करता हूँ लेटेस्ट तीसरे तरीके के बारे में। आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे अकाउंट हैक के तरीके बारे में, आज से इस स्मार्टफोन के दौर में सभी के पास फेसबुक या अन्य कोई सोशल मीडिया होगी जिससे आप घंटों यूज़ करते हैं। अब ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग आपकी प्रोफाइल में जाकर कुछ डिटेल लेते हैं, जैसे आपके दोस्तों के नाम, फ्रेंड लिस्ट में आपके कौन कौन है, उन सभी के नाम ले लिए, उनकी फ़ोटो डाउनलोड कर ली या स्क्रीनशॉट ले लिया, और वो अपनी दूसरी ID बनाते हैं जिसमें वो सेम फ़ोटो उस पर लगा के आपके पास मैसेज करेंगे ताकि आपको शक ना हो। और अब इनका खेल शुरू होता है, आपसे दो चार दिन बात करने के बाद किसी भी तरीके से वो पैसे के लेन देन के बारे में बात करेंगे, मैं फंस गया हूँ, मेरे पैसे फंस गए हैं, कृपया मेरी हेल्प करो, मैं आपके पास पैसे भिजवा देता हूँ, ऐसे। या फिर वो आपको लिंक भी भेज सकते हैं, ये भी दावा कर सकते हैं कि मेरे पैसे अटक गए हैं, आपके पास सेंड करवा सकता हूँ, क्या आप मुझे कुछ डिटेल दे देंगे? अगर आपने हाँ बोला तो कहते हैं ये मेरा दोस्त कार्ड टू कार्ड सेंड करेगा, आप अपने कार्ड के दोनों साइड की फ़ोटो कृपया जल्दी भेज दो। फिर आपने अगर ये फ़ोटो भेज दी, आपको बता दें यही साइबर क्राइम है, तो वो उस कार्ड की जो नंबर है और उसके जो पीछे एक छोटा सा नंबर आता है, उन सबको यूज करके और आपके अकाउंट से सारे पैसे मिनटों में गायब कर देते हैं। और उसके बाद वो खुद भी गायब हो जाते हैं, ना तो उनके मैसेज का रिप्लाई आता है, ना अगर आप फ़ोन करो तो फ़ोन भी नहीं मिल पाएगा। तो आप इसके लिए सबसे पहले अपने फेसबुक की सेटिंग में जाकर प्राइवेसी में अपनी फ्रेंड लिस्ट को हाइड करें ताकि लोग कॉपी नहीं कर सकें, और साथ में पुलिस को रिपोर्ट जरूर करें ताकि इन लोगों को रोका जा सके। उम्मीद है आप इन सभी बातों को गंभीरता से लेंगे और अपने आसपास के लोगों को बताएंगे। अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर भेजें ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।